दिव्यांशु बुद्धि राजा हमारे साथ हैं और देख सकते हैं आज थानेसर विधानसभा में पहुंचे हैं। और दिव्यांशु कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए कैसे हैं? नए जोश से आए हैं? बिल्कुल नए जोश से हैं। लोगों ने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता ने, बिल्कुल नए जोश से हैं और लोगों की सेवा करेंगे। और अब तो ये यात्रा चल रही है पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में बदलाव का माहौल है और उसी को देखते हुए आज थानेसर में पहुंचे। तो दिव्यांशु, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है 500 रुपए का सिलेंडर हो गया और MSP हो गया, तो क्या लगता है आपको? 9.5 साल क्या मनोहर लाल खट्टर जी सो रहे थे? क्या भारतीय जनता पार्टी 9.5 साल सो रही थी? 31 दिन की बची सरकार में अब ये लोगों को रेवड़ियां बांटने का जो काम कर रहे हैं, जनता समझदार है, जनता को पता है कि बीजेपी का जाने का समय है, इसलिए इस प्रकार के लुभावने वायदे करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता अब इनकी बातों में नहीं आएगी। लोकसभा चुनाव में जनता ने ट्रेलर दिखाया और इन चुनावों में जनता इनको फिल्म दिखाने का काम करेगी। और आज जिस तरीके से आप इंद्री भी गए हैं, थानेसर में भी आए हैं, लोकसभाओं का किस तरह जो जन सैलाब है, क्या एक मैसेज? देखिए, बिल्कुल इंद्री के अंदर भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ ने ये साबित कर दिया कि प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में आज जो है बदलाव तय है। और आज थानेसर में जो है जितने चारों तरफ जो जनसमूह है, जो सिर दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात का संकेत है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बदलाव तय है और हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। दिव्यांशु भी कहीं से टिकट लेंगे? दिव्यांशु बुद्धि राजा को पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी, सिर माथे स्वीकार करके उस जिम्मेवारी का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। युवाओं के सेलिब्रिटी है, युवाओं के लिए क्या मैसेज? क्योंकि अग्निपथ जब से आया है तो युवा जो है मन टूट चुका है। देखिए, पूरे 10 साल इस सरकार ने खास तौर पर युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया है। सरकारी नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ और HKRN के माध्यम से बैकडोर एंट्रीज करी गई। आज प्रदेश में सर्वाधिक नाराजगी किसी वर्ग की सरकार के खिलाफ है तो वो युवा वर्ग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को ये संदेश देना चाहूंगा कि 10 साल इस सरकार ने जो प्रताड़नाएं, जो जुल्म हमारे साथ किए हैं, अब समय है उन सभी जुल्मों का बदला लेने का। ये समय है इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का और ये समय है आपकी अपनी कांग्रेस की सरकार को सत्ता में स्थापित करने का। महिलाओं को यदि बात करें, 1 लाख रुपए सालाना और बुढ़ापा पेंशन 6,000, क्या पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जुबान के धनी हैं। आज तक जो वादे हरियाणा की जनता के साथ किए हैं वो पूरे किए हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वादा किया है तो 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो वादा पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिव्यांशु बुद्धि राजा और युवाओं की जो है आज एक मिसाल बन चुके हैं। और आप देखते हैं कि अभी बाजार में एक काफिला यहाँ से निकलता हुआ और दीपेंद्र है, उनके साथ अशोक अरोड़ा है, काफ़ी जन सैलाब है। और थानेसर विधानसभा में अभी शॉप टू शॉप प्रचार के बीचों बीच जो है ये काफिला निकाला जाएगा। और एक और सरपंच भी है, सरपंच देखिए सरपंच थे पर ताड़ना भी दी गई थी क्योंकि जब ये काम करते थे काफ़ी इनको जो है वो देते ना टॉर्चर तो नहीं कहेंगे। सरपंच साहब, कैसा कार्यकाल रहा? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उस समय। हाँ, उस समय भी बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उससे हमारा उनकी उससे सारा कार्यकाल बढ़िया रहा। बहुत जोर मारा हमारे सत्ता के MLA ने तो, लेकिन उन पर कुछ नहीं हुआ हमारा, बाढ़ लग भी नहीं बैठे वैसे ही को। अब 2024 में क्या लगता है? 2024 में आने वाले अभी इलेक्शनों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 85+ सीट लेकर आ रहे हैं और हरियाणा का CM बनने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा सरपंच साहब, इनेलो और JCP का क्या रहने वाला? नहीं, ये तो खत्म होगी पार्टी, ये तो गई जी, पार्टी खत्म है, इनका तो कोई भविष्य नहीं है, इनका तो नामो निशान खत्म हो गया। इस समय देख सकते हैं कि सभी जो सरपंच हैं वो पहुंचे हैं और काफ़ी युवा हैं वो भी पहुंचे हैं, हज़ारों की तादाद में हैं। विधानसभा थानेसर है, इससे पहले विधानसभा इंद्री था और अभी डोर टू डोर और शहर के बीचों बीच जो है ये काफिला जाएगा। तो आपका कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, बने रहिएगा हसन दलचल हरियाणा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कांग्रेस पार्टी का प्रचार रथ, किसानों को MSP की गारंटी, घरेलू गैस की सिलेंडर 10 रुपये, 300 यूनिट फ्री, बुढ़ापा पेंशन 6,000, खिलाड़ी के लिए पदक लाओ, पूरा पेंशन योजना 2 लाख खाली पदकों। बहुत बहुत शुक्रिया।